नमस्कार मित्रों, एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आम चुनाव से जुड़ी हुई बातों को एपिसोड वाइज लेकर चल रहे हैं। यह हमारा अगला एपिसोड है जिसमें आज हम बात करेंगे गठबंधन की राजनीति। भारत में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत कब होती है, गठबंधन की सरकारें अस्थिर से अस्थिर होते हुए स्थिर पहली गठबंधन की सरकार अपना कब कार्यकाल पूरा करती है, गठबंधन सरकारों के गुण क्या है, दोष क्या है, भारत ऐसे विकासशील देश में गठबंधन सरकारों का औचित्य क्या है, इन तमाम मुद्दों पर आइए हम आज इस कक्षा में बात कर लें। भारत में गठबंधन की राजनीति का उदय कब होता है, सरकारों का गिरना और बनना। आज के हम इस टॉपिक को देखते हैं, भारत में गठबंधन सरकारों का उदय। सबसे पहले गठबंधन सरकार से आशय को समझते हैं। जो गठबंधन शब्द है, गठबंधन शब्द लैटिन भाषा के कोएलिटियो से लिया गया है। गठबंधन शब्द जो लैटिन भाषा का कोएलिटियो है उससे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक साथ बढ़ना। एक साथ बढ़ने के उद्देश्य से गठबंधन शब्द का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, जो लैटिन भाषा के कोएलिटियो शब्द से लिया गया है। राजनीतिक अर्थों में गठबंधन विभिन्न राजनीतिक पार्टियां एक साथ मिलकर होने से है। वहीं राजनीतिक अर्थों में अगर गठबंधन की बात करें तो विभिन्न पार्टियों का एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, इसको गठबंधन कहते हैं। गठबंधन सरकार एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है जिसमें अनेक दल सहयोग करते हैं, जिनमें से किसी एक दल का प्रभुत्व नहीं रहता है। गठबंधन की सरकार एक संसदीय प्रकार की सरकार होती है। जैसे भारत में संसदीय लोकतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाया गया है, तो गठबंधन सरकार भी संसदीय प्रकार की एक कैबिनेट होती है जिसमें विभिन्न दल एक साथ जुड़कर काम करते हैं और सरकार बनाते हैं। इसमें किसी एक दल का वर्चस्व नहीं होता है, लेकिन यह 1977 के बाद वर्चस्व वाली स्थिति बढ़ती चली जाती है और आज का जो सीन है उसको भी हम लोग देखेंगे। भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत, भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत को देखते हैं कैसे हुआ। वक्त था 1977 का। 1977 में जनता पार्टी की सरकार से हुई जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बनते हैं। गठबंधन सरकार की शुरुआत 1977 में। 1977 में गठबंधन सरकार की शुरुआत के पीछे की कहानी है 1975 में कांग्रेस सरकार के द्वारा इमरजेंसी का लगाना। इमरजेंसी से जनता त्रस्त हो गई थी, सभी छोटी छोटी पार्टियां मिलकर जनता पार्टी का समर्थन दे दी, जिसमें आज की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की पितृ पार्टी भारतीय जनसंघ ने भी सहयोग किया था और उनके सहयोग से यह सरकार बनी। 1977 में मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। उस समय जनता पार्टी में जो गठबंधन के दल होते हैं वो कुल 13 दल होते हैं और भारत में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार देखने को मिलती है और मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री बनते हैं। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थन वापस ले लेने के बाद सरकार गिर जाती है और जनता दल सेकुलर के चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, जो 1980 तक चलते हैं। सरकारें अस्थिर रहती हैं। समर्थन देने वाले नेता, समर्थन देने वाली पार्टी के नेता समर्थन खींच लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे ही नेता थे जिन्होंने जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया था और जनसंघ जिनकी पार्टी थी और उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। समर्थन वापस देने के बाद जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है, सेकुलर पार्टी की सरकार बनती है और एक नए प्रधानमंत्री का जन उदय होता है भारत में, जिनका नाम होता है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण की सरकार भी अल्पमत में थी, कांग्रेस का समर्थन इन्हें बाहर से प्राप्त था, लेकिन विश्वास मत के समय कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। कहानी को समझिए, कोई भी पार्टी जो समर्थन देती है वह यह नहीं चाहती है कि उसका कद छोटा हो, लेकिन जिस पार्टी को समर्थन हम दिए और वह पार्टी सरकार ही नहीं चला पाई तो उसका कद छोटा हो गया। तो यह राजनीति होती है गठबंधन की राजनीति। गठबंधन की राजनीति में जनता पार्टी को भारतीय जनसंघ ने समर्थन दिया, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन जनसंघ के द्वारा समय पूर्व ही अपनी पार्टी को वापस ले लेना, गठबंधन की सरकार का गिरना होता है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह बनते हैं जिनको अपना समर्थन देता था, लेकिन बात आती है जब बहुमत साबित करने की, तो उसी समय कांग्रेस भी अपना समर्थन वापस लेती है और चौधरी चरण सिंह की सरकार भी गिर जाती है, अल्पमत में आ जाती है। समय आता है 1989 का समय। कांग्रेस की हार होती है, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनती है, जनता दल अन्य क्षेत्रीय दलों के मिलने से विश्वनाथ प्रताप सिंह मंत्री बनते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल कमीशन की आयोग की सिफारिश को लागू होने के बाद भाजपा ने इनसे समर्थन वापस ले लेते हैं और सरकार गिर जाती है।
1977 से 1989 तक के बीच के अगर हम कार्यकाल को देखें तो 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या होती है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी उनके बेटे कांग्रेस की कमान संभालते हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव होता है और इंदिरा गांधी की कांग्रेस की सरकार सत्ता में वापसी करती है। 1989 के समय में कांग्रेस की हार हो जाती है, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनती है और हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। बीपी प्रधानमंत्री बनते हैं उस समय भी इनको बहुत दलों का समर्थन प्राप्त होता है। उसी समय भारतीय जनता पार्टी नाम की पार्टी का उदय हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी यह देख रही है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो सरकार है वह अपना एक अलग जनाधार तैयार कर रही है, एक अपना अलग वोट बैंक तैयार कर रही है। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता होते हैं वह सोचते हैं कि जिस उद्देश्य से हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी हम तो उस उद्देश्य से दूर होते चले जा रहे हैं। इस कारण उस सरकार से भी भारतीय जनता पार्टी अपना समर्थन वापस ले लेती है। समय आता है 1990-91 में जनता दल सोशलिस्ट या भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनती है, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनते हैं कुछ ही समय के लिए, 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक लगभग 7-8 महीनों के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं। सरकार को कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था। उसके बाद बात आती है संयुक्त मोर्चा की। संयुक्त मोर्चा क्या होता है, 1996 के आम चुनाव में न तो कांग्रेस और न ही भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलता है। संयुक्त मोर्चा ने 1996 में प्रथम बार सरकार बनाई जिसके प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा बने, लेकिन यह भी सरकार 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक चलती है। संयुक्त मोर्चा के अगले प्रधानमंत्री होते हैं 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बनते हैं। दोनों जो सरकारें होती हैं वह कांग्रेस के समर्थन से चलती हैं और कांग्रेस ने जब संयुक्त मोर्चा सरकार में चाहे वो इंद्र कुमार गुजराल की सरकार हो चाहे एचडी देवगौड़ा की सरकार हो उनसे अपना कांग्रेस ने जो बाहरी समर्थन दिया था वो समर्थन कांग्रेस वापस लेती है और दोनों की सरकारें गिर जाती है। जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, भारतीय जनता पार्टी अपने कुछ क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर एनडीए का गठन करती है। एनडीए में कुल उस समय 13 दल थे, आज भी एनडीए का अस्तित्व आप देख रहे हैं, एनडीए की सरकार है भारत में। एनडीए की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं। AIDMIK जयललिता की जो पार्टी थी उन्होंने अटल बिहारी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार 13 दिनों में ही गिर जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी अपना बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं और मात्र 13 दिनों में ही उनकी सरकार गिर जाती है। 1999 का आम चुनाव होता है, आम चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता है, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं। पूरा समय आता है वर्ष 2004 का जिसमें संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और 2004 के लोकसभा चुनाव। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कांग्रेस इसमें बड़ी पार्टी होती है, कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ गठबंधन करती है और गठबंधन के मोर्चे का नाम दिया जाता है यूपीए जिसको संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहा जाता है। 2004 के चुनाव में यूपीए गठबंधन को 222 सीटें मिलती है, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। पुनः 2009 का आम लोकसभा का आम चुनाव होता है, पुनः संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनती है, 262 सीटें मिलती हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन कहानी अब आगे बदलती चली जाती है। 2000 के लोकसभा के चुनाव होते हैं, राजग मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए भाजपा समर्थित गठबंधन है, भाजपा के घटक दलों का सब गठबंधन दल है यह, इसकी सरकार बनती है, राजग को पूर्ण बहुमत मिलता है और नरेंद्र मोदी भारतीय पटल पर एक नेता के रूप में उभरते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं। पुनः 2019 का लोकसभा का आम चुनाव होता है, उसमें भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भाजपा समर्थित गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता है और नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो गठबंधन की हमारी सरकारें हैं, गठबंधन की सरकारें होती हैं उनके प्रकार होते हैं, उनका एक वर्गीकरण देखा जाता है। तो उस वर्गीकरण में 3-4 किस्म का वर्गीकरण देखा जाता है। एक वर्गीकरण ऐसा होता है कि एक दल के मजबूत नेतृत्व और संख्या के साथ साथ अन्य छोटे दलों का गठबंधन। आज का जो दौर है एनडीए का गठबंधन आप देख रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख पार्टी है, उसी का दबदबा रहता है और लेकिन इस गठबंधन में छोटे मोटे दल लगभग 30 के आसपास दल इसमें शामिल हैं। लेकिन उन छोटे छोटे दलों
का सिर्फ महत्व इतना ही रहता है कि वह बड़े दल के पीछे पीछे लगे रहते हैं, उनके गठबंधन का एक हिस्सा बनते हैं। गठबंधन का यह एक प्रकार होता है जो भारतीय राजनीति में अभी देखा जा सकता है। एनडीए गठबंधन में बीजेपी की जो स्थिति है वैसे ही गठबंधन की बात कर रहा है। एक दूसरे प्रकार का एक ऐसा गठबंधन होता है कि जिसमें गठबंधन की सरकार है, जिसमें सभी दलों की समान ताकत होती है। भारत में केरल में ऐसी सरकार का प्रयोग हुआ था। एक ऐसी गठबंधन की भी सरकार होती है जिसमें सभी दलों का समान महत्व होता है। केरल में इस प्रकार की गठबंधन के सरकार को हमने देखा था। विचारों वाली पार्टियों का गठबंधन जो अपने विरोधी विचारधारा वालों को सत्ता में आने देना न आने देना चाहता हो, जैसे कांग्रेस विरोधी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है। जब जनसंघ की स्थापना हुई थी तो कांग्रेस विरोधी विचारधारा के साथ ही जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950-51 में की थी। 1977 में जनसंघ जनता पार्टी को समर्थन देता है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस सत्ता से दूर हो जाए। वही स्थिति आज भी है। आज जो भारत की राजनीति है उसमें एनडीए जो भारतीय जनता दल है प्रमुख पार्टी के रूप में अपने गठबंधन में आया है। लगभग 30+ पार्टी एक साथ मिलकर एनडीए गठबंधन के घटक दलों के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में न आए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लोग सत्ता में न आए। इसी को देखते हुए ऐसी पार्टियां अपने विरोधी दलों से भी समर्थन लेकर सरकार बना लेती हैं। चाहे आप भारतीय जनता पार्टी और कश्मीर में PDA पार्टी है उसके से मिलकर जो गठबंधन की सरकार बनी उनको भी देख सकते हैं, या 1977 के समय में आप देख सकते हैं, या जो संयुक्त मोर्चा बना था उसके समर्थन में भी आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने वाम दलों का भी को भी समर्थन दिया और लेकिन कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया और कांग्रेस को सत्ता में आने नहीं दिया। अब बात करेंगे गठबंधन सरकार के गुण और दोष। सरकारें होती हैं, गठबंधन सरकार के क्या गुण होते हैं? कामकाज में विविध हितों का समायोजन होता है। जो कामकाज होते हैं उसमें विविध हित होते हैं। अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी है और पूर्ण बहुमत में आती है और विकासशील देशों में, तो वह क्या करती है, जो उसके मुद्दे होते हैं, जो उसकी विचारधारा होती है उसके अनुसार वो लोग काम करते हैं, उसके पथ पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब गठबंधन की सरकार होती है तो गठबंधन की सरकारों में राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ क्षेत्रीय पार्टियां भी उस गठबंधन के घटक दल के रूप में काम करती है, तो क्षेत्रीय पार्टियों के भी अपने निहितार्थ होते हैं। उन निहितार्थों को ध्यानगत रखते हुए गठबंधन पार्टी की सरकार भी काम करती है, इसमें जिससे विविध हितों का समायोजन होता है, विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के हित में कार्य होता है। जैसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये तमाम भी अपनी अलग अलग इन पार्टियों की विचारधाराएं हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो अगर इंडिया गठबंधन की सरकार सत्ता में 2024 में आती है आम चुनाव के बाद, तो सभी के विचारधाराओं के तालमेल से चला जाएगा। या 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं, एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है, उसमें भी जो घटक दल होते हैं उनके भी हितों में काम होता है और वह पहली सरकार होती है जो अपना कार्यकाल पूरा करती है। पहली सरकार से उद्देश्य यहाँ पे गठबंधन की सरकार का है। वह पहली गठबंधन की सरकार होती है जो अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करती है। निरंकुश शासन का न होना आज संघीय ढांचे की इससे मजबूती मिलती है। निरंकुश शासन नहीं होता है, सब शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर गठबंधन की सरकारें काम करती हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ गठबंधन सरकारों के कुछ नुकसान भी हैं, तो आइए नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। सरकार की अस्थिरता रहती है। आपने देखा 1977 की सरकार को देखा, उसके बाद HD देवगौड़ा गुजराल की सरकार को देखा, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को देखा, जनता पार्टी की सरकार को आपने देखा। तो ये जो गठबंधन की सरकारें होती हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के 13 दिन के कार्यकाल को देखा, तो ये जो गठबंधन की सरकारें होती हैं वह ज्यादातर देखा गया है कि स्थिर नहीं होती है। गठबंधन की सरकारें स्थिर होना कब से प्रारंभ हुई? 1999 से। क्यों? क्योंकि जो गठबंधन की एक प्रमुख पार्टी थी उसका उस गठबंधन में वर्चस्व होना, उसकी सीटों का ज्यादा आना, जिससे गठबंधन की सरकारें अस्थिर से होते होते स्थिर होती चली गई। वर्चस्व इसमें एक बड़ा, जैसे आजकल के राजनीति में आप देख रहे हैं कि एनडीए गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो चाहते हैं वो करते हैं, घटक दल के नेता की मनमानी नहीं चलती है।
बड़ी पार्टियों की विचारधाराओं का अन्य पार्टियों पर थोपा जाना राष्ट्र हित की अनदेखी आदि। अब जो हित होते हैं अगर पार्टी उसकी अनदेखी भी कर लेंगी, चाहे जो भी हित हो, राष्ट्र के हित साथ हो, पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की बात हो, वैदेशिक मुद्दे हो, आर्थिक समायोजन की बात हो, ये जितने तमाम मुद्दे होते हैं, निजीकरण हो, व्यवस्थाओं का निजीकरण हो, कंपनियों का निजीकरण हो, बैंकों का निजीकरण हो, ऐसी तमाम आप घटनाएं देखेंगे जो गठबंधन सरकार की जो गठबंधन सरकार के दोष के रूप में इसको देख सकते हैं। ये रही आजादी के बाद गठबंधन सरकारों का उदय, सरकारों का बनना, सरकारों का गिरना, गठबंधन सरकारों का अस्थिर से स्थिर होना। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।